भूलन नेता जी बताइए कि आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी में दल में हम चूंकि दावेदार थे, आज भी दावेदार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। बंडा विधानसभा से भाजपा का टिकट बीरेंद्र सिंह लोधी लम्बरदार का कंफर्म होते हुए शाहगढ़ में कहीं खुशी कहीं गम साफ दिखाई दे रहा है। आज बड़ा बाजार में भाजपा पार्षदों एवं कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। तो वहीं शाहगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता कुंवर रणजोर सिंह बुंदेला ने कहा है कि भाजपा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पुनः विचार की बात करेंगे। चाचा जी, आज बंडा विधानसभा की टिकट फाइनल हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, तो उसके लिए पार्टी के निर्णय को मैं स्वीकार करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का ही काम करूँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दल में हम चूंकि दावेदार थे, आज भी दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी के उचित मंच पर मैं अपनी बात रखने का अवसर अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं अपनी बात रखूँगा कि इस क्षेत्र का जो बुंदेलखंड में विशेष रूप से बंडा विधानसभा क्षेत्र में जब से विधानसभा का गठन हुआ है तब से, चूंकि बंडा क्षेत्र एक ही है लेकिन दो ब्लॉक में, आज तक यहाँ से कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला और पहली बार किसी ने भारतीय जनता पार्टी या किसी दल के रूप में यहाँ से तैयारी की और वर्षों से जनता की सेवा करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे और यहाँ के विकास के लिए बराबर चिंता करते रहे, तो एक क्षेत्र का दायित्व ही बनता था सागर क्षेत्र के जनपद के लोगों का कि पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। अब वो निर्णय बाद में देखा, कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि पार्टी विचार करती है कि हो सकता जल्दबाजी में कोई ऐसा पार्टी ने फैसला किया हो, सब पर विचार नहीं किया गया। जी, आपकी तैयारी चुनाव की काफी दिनों से चल रही थी, वर्ष भी कह सकते हैं, और इस आपका पैनल में भी नाम गया था, तो फिर आपको ये कहाँ चूक हुई, क्या लग रहा है? मुझे नहीं लगता कहीं चूक हुई होगी, लेकिन पार्टी ने पता नहीं क्यों नहीं गंभीरता से इस पर विचार किया। मेरी तैयारी पहले से थी, आज भी तैयार है। 291 पोलिंग बूथ पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे निजी कार्यकर्ता वहाँ पर हर पोलिंग बूथ पे आज भी तैयार है। ग्रामीण जमीनी स्तर से मैंने बहुत ही तैयारी की पिछले 2 वर्षों से। बंडा क्षेत्र में एक भाग यात्रा के माध्यम से समरसता का कार्यक्रम किया था जिसमें काफ़ी लोगों का जुड़ाव हुआ था। आज भी हमारे जो समर्थक हैं, व्यक्तिगत तौर पर जो समर्थक हैं, उनके कई लोगों के फोन आए, कई कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे कि वो आज भी हमारे साथ कंधे से कंधे लगे खड़े हैं। मैं उन सब से कहता हूं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं सागर क्षेत्र के लोगों से विनम्रता से कहता हूं कि आप अपनी ताकत को बनाए रखें, अपनी ऊर्जा को बनाए रखें। मेरा साथ यदि आप देंगे तो अभी भी मैं हारा नहीं हूँ, निराश भी नहीं हुआ हूँ। मेरी दावेदारी थी और दावेदारी है और दावेदारी रहेगी भी। मैं निश्चित रूप से आगे भी उचित मंच पर पार्टी पर अपनी बात रखूंगा। पार्टी यदि अवसर देती है, सुनने का अवसर देती है, तो मेरी बात सुनी जाएगी। चाचा जी, जैसे अभी कांग्रेस से तरवर सिंह लोधी हैं, तो क्या जातिवाद के आधार पर प्रत्याशी घोषित हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन आने वाले समय में यदि जाति आधार पर सब चीज़ें होती तो निकट भविष्य में ये तो वर्ग संघर्ष की स्थिति बनेगी निश्चित रूप से, और किसी तीसरे व्यक्तियों को अवसर कभी नहीं मिल सकता। जातियों के आधार पर पार्टियों को जो भी पार्टी निर्णय लेती हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ पार्टियों के बारे में, लेकिन ये भी तर्कहीन हो सकता है। अंतिम सवाल, आपका कोई संदेश सागर ब्लॉक बंडा ब्लॉक में और आपके आगे क्या भूमिका रहेगी? मैं बंडा क्षेत्र और सागर क्षेत्र पूरी विधानसभा के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि सब धैर्य से रहें, यहाँ के लोग भी धैर्य से रहें। मेरे जो निजी समर्थक है उनसे भी विनती करता हूँ कि अभी अपना धैर्य बनाए रखें। कुछ ना कुछ ईश्वर का जो कृपा होती है, कभी कभी ईश्वर की कृपा भले ही देर से मिलती हो, लेकिन निश्चित रूप से एक बार ईश्वर की कृपा जरूर होगी और पार्टी एक बार विचार करेगी, शीर्ष नेतृत्व विचार करेगी। मुझे ईश्वर पर, प्रभु राम पर विश्वास है, प्रभु हनुमान जी पर विश्वास है,
प्रभु महावीर स्वामी जी पर विश्वास है, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, इसलिए सभी धर्म के जो हमारे देव महापुरुष हैं उनका आशीर्वाद है, वही आशीर्वाद फलीभूत निश्चित रूप से आने 2-3 माह के समय में निश्चित रूप से होगा। मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ कि इस पर पार्टी एक बार फिर विचार करेगी। तो वहीं जिला पंचायत सदस्य गुलाब चंद गोलन ने कहा कि हम निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। गुलन नेता जी बताइए, विधानसभा में भाजपा की टिकट फाइनल हो चुकी है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे चुनाव। तो बताइए क्या भूमिका रहेगी आपकी और किस पार्टी से लड़ेंगे? क्या नहीं अभी पार्टी मार्टी से नहीं, अब हम इंडिपेंडेंट निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। और कारण उसका ये है कि हमारा बुंदेलखंड का ये बंडा विधानसभा क्षेत्र बहुत बैकवर्ड क्षेत्र है। आज तक यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि बने हैं वो केवल बनने के लिए ही बने हैं, उनने स्वयं की पृष्ठभूमि तो सुधार ली है लेकिन क्षेत्र के लिए कभी कोई लाभ नहीं हुआ है। अभी जितने भी विधायकों का हम कार्यकाल देखें तो वो कोई कार्यकाल उल्लेखनीय नहीं रहा है। आपने पूर्व में घोषणा की थी कि अगर टिकट हरबंस राठौर को नहीं मिलेगी तो मैं चुनाव आम आदमी पार्टी से लड़ूंगा, तो उस पर आपका क्या विचार है? नहीं अभी हम अपने क्षेत्र के मतदाताओं से संपर्क करेंगे और क्षेत्र के मतदाता हमको जैसा सुझाव देंगे हम उस सुझाव के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ना तो लोग अभी कांग्रेस से संतुष्ट हैं और ना भाजपा से संतुष्ट हैं। और जब तक जनता अपना स्वयं निर्णय नहीं लेगी, एक बार इन राजनीतिक दलों के लिए यह ज्ञान करवाना जरूरी है कि समाज सेवा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो क्षेत्र के लिए सेवाएं दे रहे हैं, आप उनके लिए नज़रअंदाज कब तक करते रहोगे? यह कोई राजनीति नहीं हुई कि जो आदमी निरंतर पूरी जिंदगी खपा के और सेवाएं दे रहा है आप उसकी योग्यता को कब स्वीकार करेंगे? इसलिए जनता के ऊपर फैसला है, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और जनता हमें जैसा निर्णय देगी हम उसको स्वीकार करेंगे। आगामी समय में बंडा विधानसभा में बहुत बड़ा महामुकाबला दिख रहा है, मतलब ये बहुत बड़ा महामुकाबला होगा, काफ़ी प्रत्याशियों की आने की उम्मीद दिख रही है, आपके हिसाब से कौन कौन बागी होंगे, क्या होंगे, कैसा होगा, थोड़ा समीकरण बताइए। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि रीवा लोकसभा क्षेत्र से यमुना प्रसाद शास्त्री जो जन्मांध थे वह राजा के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, राजा ने उनको हल्का प्रत्याशी माना था और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए यमुना प्रसाद जी शास्त्री के लिए तन मन धन से सहयोग किया था और एक रंक ने राजा के लिए चुनाव हरवा दिया था। यह लोकतंत्र है, यह किसी की बपौती नहीं है, इसमें साधारण आदमी चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार सकते हैं और इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती हैं तो कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, चुनाव में तो लोकतंत्र है, इसमें कोई रंग आदमी चुनाव जीत सकता है और राजा चुनाव हार सकता है। चुनाव के समय तक मतलब कैसी तस्वीर रहेगी पंडा की, प्रत्याशियों में कौन कौन रहेगा मैदान में आपके साथ आपके अनुसार? अभी जिन लोगों के नाम चर्चाओं में हैं भाजपा और कांग्रेस से उनकी कोई सेवाएं तो रही नहीं है, वो तो एक्सीडेंटल चुनाव हुए हैं कि अगर हम किसी से नाराज हैं तो उसकी नाराजगी से लेके किसी दूसरे को चुन लिया है, इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई ऐसे कद वाले दावेदार हैं या प्रत्याशी हैं कि जिनकी अपनी कोई स्वयं की इमेज हो, वो केवल पार्टी के दम पर तो चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन उनकी सेवाएं नगण्य हैं। आपके अनुसार बंडा के मतदाताओं से कोई संदेश कुछ कहना चाहते हैं आप? बंडा के सम्माननीय मतदाताओं से हमारा यही निवेदन है कि मैं तो प्रत्येक दृष्टि से एक कमज़ोर व्यक्ति हूँ लेकिन सेवा के मध्य हम समझते हैं कि हमने जितनी सेवाएं क्षेत्र के लिए दी हैं उतनी सेवाएं ना तो किसी ने दी हैं और ना कोई दे सकता है। मैंने तो सब कुछ दाव लगा कर और निष्पक्ष तौर से लोगों को सेवाएं दी हैं और निश्चित तौर पर मानिए
कि अब की बार बंडा विधानसभा क्षेत्र एक नया इतिहास गढ़ेगा।